अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं हुमा और आज मैं बनाने जा रही हूं पनीर टिक्का। पनीर टिक्का बनाने के लिए हम ले रहे हैं 350 ग्राम पनीर। इसे हमने बड़े क्यूब्स में कट कर लिया है। इसी के साथ हम ले रहे हैं एक बड़े साइज़ की प्याज। इसे हमने काट के इसकी लेयर्स निकाल ली हैं। रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम हमने ली हैं, इसे भी हमने बड़े पीसेज में कट कर लिया है। तो तीनों चीज़ों को हमने सेम साइज़ में काट लिया है। आप चाहें तो एक तरह की भी कैप्सिकम ले सकते हैं या तीन कलर में भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब हम पनीर को मैरिनेट करने के लिए कुछ मसाले ले लेंगे। तो सबसे पहले हम एक बड़ा मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 कप दही। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दही में बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा दही लेना है। इससे पनीर पर अच्छे से कोटिंग हो पाएगी मसालों की। और हम ले रहे हैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून रोस्टेड ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून नमक। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड करें। 1 टीस्पून लेमन जूस, 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 पिंच हम ले रहे हैं ऑरेंज फूड कलर। इससे पनीर टिक्का पे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। इस तरह से पनीर डाल के हमें मसालों में मैरिनेट करना है पनीर को। और कैप्सिकम अनियन भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमें इसमें एक चीज़ और डालनी है, हम इसमें बेसन डालेंगे जिससे कि मसालों की कोटिंग बहुत अच्छे से हो पाए। तो हमने ले लिया है 2 टेबल स्पून बेसन। इसे हमने 2 मिनट के लिए भून लिया था। और बेसन को भून के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इसका कच्चापन दूर हो जाता है भूनने से। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। फिर हम पनीर को मैरिनेट करने के लिए रखेंगे 20-30 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम पनीर को सेट कर लेंगे। हमने ले लिए हैं वुडन स्क्वेयर्स, इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हम पनीर को स्क्वेयर्स पर सेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक पीस कैप्सिकम का लेंगे, इस तरह से बीच में लगाएंगे और बीच में इस तरह से हम पनीर लगा रहे हैं। और पनीर के बाद कैप्सिकम, ऑनियन, जो भी आप इसमें ऐड कर रहे हैं वो चीज़ें इसमें लगाएं। और फिर से हम एक पीस पनीर का लगा रहे हैं। तो एक स्क्वेयर्स पे हम 3 पीस पनीर के लगाएंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो पाए। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है और बहुत ईजी झटपट बन जाती है। तो ये देखें, इस तरह से हमने सेट कर लिया है। तो बाकी के भी पीसेस हम इसी तरह से सेट कर लेंगे स्क्वायर्स पे। उसके बाद हम फ्राई करना शुरू करेंगे। बिल्कुल इस तरह से सेंटर से हमें स्क्वायर्स में डालना है पनीर को। तो यहाँ पे पनीर टिक्का हमारा सेट हो चुका है, हमने 4 स्क्वायर्स में इसको सेट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो हमने ले लिया है एक तवा, चूल्हे को हमने मीडियम टू लो हीट पर ऑन किया है। हम इस पे 1 टेबल स्पून ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल गरम होते ही हम इसमें पनीर फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम 2 पीस रख रहे हैं। इस तरह से हम 2-2 करके फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो हमें लो हीट पे ही इसे फ्राई करना है और ये लो हीट पे बहुत अच्छे से फ्राई होता है, अच्छा क्रिस्पी गोल्डन हो जाता है। ये देखें आप, बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। हमने इसकी साइड चेंज कर ली है। बस इसी तरह से हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसकी साइड चेंज करनी है और चारों तरफ से हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जब इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो हम इसको निकाल लेंगे और सर्व करने के लिए ये बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, पनीर टिक्का हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम बाकी के भी पनीर पीसेस फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, मज़ेदार सा पनीर टिक्का हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को आप भी ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलेंगे आपसे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।